मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या है, क्या है डिफरेंस इन बिटवीन द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। ओके, आप इस ब्लॉक डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें हम टाइप्स ऑफ डेसिमल को डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, जो कि बच्चे क्लास 7 से पढ़ते आते हैं। A number that can be written in the form of p by q. P by q means any two numbers where p and q are integers but q not equal to 0 is called a rational number. For example, 7 by 9, minus 1 by 7, 5 by 7, 2 by 3 and many more examples you can write, not a problem. Okay? अभी आप आइए इस flow chart को study करिए। देखिए क्या है types of decimal, decimals के कौन कौन से types होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल जो कि एक टाइम के बाद किसी मीन आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है आफ्टर पुटिंग सम डेसिमल। ओके, और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। एक ऐसा नंबर जिसको आप डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल सॉरी मीन यहाँ पे आपका एक डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट होता रहेगा। हो सकता है टू डिजिट रिपीट हो जाए आपके, फॉर एग्जाम्पल 5.25 25 25 like that. ओके, इसमें आपके दो दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है 7.92, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन 9292 अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। दिस बार शो दैट द 92 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अगर मैं इसी डेसिमल नंबर का एग्जांपल अगर रैशनल फॉर्म में लिखूंगा तो इस टाइप से होगा, फॉर एग्जांपल 1/3, 5/3, 2/7, like that. ये सब वो रैशनल नंबर्स हैं जिनको अगर आप डिवीजन करने बैठेंगे तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल आएगा ऑलवेज। यू कैन ट्राई दिस नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं 7/2। ओके, अब आप डिवाइड करेंगे 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3.5, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं 9/5 ऑल्सो। जब आप 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 × 5 = 0.58, ओके। और थर्ड वन मेरे पास केस है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एक ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, उसको मैं कहता हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है पाई। पाई इज अ इरैशनल नंबर। और अब आप कहेंगे सर ये डेसिमल से हमारा रैशनल और इरैशनल का क्या रिलेशन हुआ, तो डेसिमल से रैशनल और इरैशनल का ये रिलेशन है कि ये जो दो कैटेगरी है मेरे पास, ये दोनों कैटेगरी मेरी रैशनल में आती है। ओके, रैशनल नंबर्स। और ये जो आपकी एक कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कैटेगरी आपकी इरैशनल में आती है, इरैशनल नंबर्स। ओके, सो पाई इज एन इरैशनल नंबर। √2, √3, √5, एनी नंबर विद अ स्क्वायर रूट दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इरैशनल। ओके, इसमें आप हम और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कुछ आप एग्जांपल्स आप ऐसे लिख सकते हैं 2.576009, इट इज नीदर रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, 0.12007695... ना तो आपका ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ओके, देन इन दिस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं 22/7। अब आप कहेंगे सर दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा आप कि जो पाई है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू होता है हमारा, वो वैल्यू होता है 3.1415 and something नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलता रहता है आपका। बट दिस 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ये हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की यूज करते हैं। इसका वैल्यू आपका होता है 3.14 28 and 57, और उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। ओके, मीन दिस पार्ट विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यू कैन चेक इट बाय लॉन्ग डिवीजन, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड दिस इज द पाई, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट रिपीटेड अप टू 10,000 डेसिमल प्लेसेस,
ओके सो पाई वी आर टेकिंग इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड 22 बाय 7 वी आर टेकिंग इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मीन 22 बाय 7 इज अ रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में लिखा गया पाई इज अ इरेशनल नंबर ओके अब आप कहेंगे सर कि हम 3.225 इसको हम रैशनल फॉर्म में मीन पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो इसका एक सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको इस ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल यू आर गिविंग मी अ क्वेश्चन 3.2 बार आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें रैशनल फॉर्म में दिस इज डेसिमल और ये रिपीटिंग डेसिमल मैंने कौन सी फॉर्म में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला किसमें आता है आपका रैशनल में आता है मीन इसको हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मीन पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे राइट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 सो इट बिकम 10x इज इक्वल टू 3.2222 डैश 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 इनटू 10 ओके सो इट बिकम 10x इज इक्वल टू 32.222 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 यू कैन टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 2 यू कैन टेक राइट नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 From equation 2, then 10x minus x is equal to 32.222 dash 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 and 3.22 and dash dash dash. Okay, so this subtraction become 9x. 9x is equal to What did it become? 29 and after 29 all are zeros till end. Okay, so it becomes 29 only. So we can write x is equal to 29 by 9. Okay, this is the rational number. So देखिए इसको आप easily convert कर सकते हैं p by q की form में 2.5. 2.5 mean 25 by 10. Because there is one digit after decimal only. Now divide by 5, 5, 5 is a 25 and 5, 2 is a. So 5 by 2 means 2.5. This is, they all are rational. Okay? So these all are also rational. We can convert easily in the form of P by Q. If two digits are repeating, then multiply both sides by 100 here. Simple difference is that. Okay? And these 1 by 3, 1, 5 by 7, 5 by 3, 2 by 7, all are rational form. 22 by 7 is also rational. Always remember, sometimes a question, MCQ always hit in the exam, which one of the following is irrational. Or wo usme pi bhi deta hai aapko, 22 by 7 bhi deta hai aapko. So pi is non-terminating, non-repeating, irrational. And 22 by 7 is rational. Always remember that. And remember this flow chart. This will help you a lot to understand all these different types of numbers, okay, decimal numbers. And with the help of this process, you can convert a non-terminating repeating decimal into a rational form, okay. इसके बाद next video में very soon अभी मिलते हैं दोस्तों एक new question के साथ class 10 chapter 1 के साथ. Have a nice day. Thank you so much.